आगकु एमितिका न्यूज डिबेट इंटरव्यू फनी आउ कॉमेडी वीडियो देखिबा पाई आम चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करंतु आउ चैनल रो सब वीडियो को फास्ट देखिबा पाई घंटी बटन टा टिपंतु। जय जगन्नाथ, जय मां हिंगुला। आपन समस्त को मोर सार नमस्कार। कला हिरार शहर तालचेर माटी को मोर प्रणाम। अविभक्त ढेकानाल रे संग्रामी माटी को आसी मो निज को गौरवित मने करूची। ओडिशा के लोगों का ये प्यार, ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं आपकी हर रैली पुरानी सारी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ देती है। आज भी मैं देख रहा हूं आपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तालचेर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 36 महीने में काम पूरा होने के बाद मैं स्वयं फिर एक बार आपके बीच आऊंगा और इसका लोकार्पण करूंगा। देश के किसानों को, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बंद पड़े खाद कारखानों को खोलने का काम हमने तेज गति से आगे बढ़ाया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कल से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय इसकी शुरुआत हो रही है। इस योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों को, यानी कि करीब करीब 50 करोड़ लोगों को, मतलब अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, उनकी पूरी जो जनसंख्या है उससे भी ज्यादा लोगों को, उनके परिवारों में अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो साल भर में 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस दिया जाएगा। 5 लाख रुपया, यानी कोई गंभीर बीमारी होने की स्थिति में गरीब परिवार को तय अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में मिलेगा। गरीब के घर में बीमारी आती है तो वो ब्याज के चक्कर में डूब जाता है, परिवार तबाह हो जाता है। मैं ऐसे परिवारों को बचाना चाहता हूं। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के अधिकतम राज्य भारत सरकार की इस योजना से जुड़ गए हैं। जो राज्य जुड़ गए हैं उस राज्य के गरीबों को इसका फायदा मिलने वाला है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इसका फायदा उड़ीसा के गरीबों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पूरी ताकत से मुझे समझाइए, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या ऐसी योजना का लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उड़ीसा की सरकार ने आगे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, हमारे नवीन बाबू को समझ नहीं आ रहा है। मैं आज आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से हमारे मित्र नवीन बाबू को फिर से आग्रह करूंगा,
कि उड़ीसा के लाखों परिवारों की भलाई के लिए, गरीब परिवारों के स्वास्थ्य के लिए, गरीब परिवारों को मदद करने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, आयुष्मान भारत योजना, आप उसके साथ जुड़िए और हर परिवार को 5 लाख रुपए तक की मदद में आप भी आ जाइए। मैं निमंत्रण देता हूं भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ओडिशा में किसी भी गरीब को भूखा सोने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और कभी कभी ये जानकारियां लोगों को नहीं होती हैं, कभी हमें मजबूरन बताना पड़ रहा है। मेरे उड़ीसा के प्यारे भाइयों बहनों, उड़ीसा में जो चावल गरीबों को 1 रुपये प्रति किलो में दिया जाता है, उस 1 किलो चावल के पीछे 25 रुपया से 30 रुपया भारत सरकार के खजाने से देते हैं, तब जाकर के 1 रुपये किलो चावल आपके थाली में आता है। ये जानकारी लोगों को है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है सारा पैसा दिल्ली से आता है। राज्य के 85 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार नवीन बाबू की सरकार को हर महीने लगभग 450 करोड़ रुपए देती है। इसके अलावा जो वितरण प्रणाली है उसका आधुनिकीकरण करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि गरीबों का अधिकार कोई बिचौलिया छीन न ले। भाइयों और बहनों, जब नीयत साफ हो, देश का हित सबसे आगे हो, तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिन्हें लेने का हौसला दूसरों में कहीं नजर नहीं आता है।